हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी का सॉइल मैकेनिक्स का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम कॉम्पैक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो लैब टेस्ट होते हैं और जो फील्ड टेस्ट होते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं उनके बारे में हम पिछली वीडियोज में देख चुके हैं। अगर अभी तक आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से इसके पहले की सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्पैक्शन चैप्टर में, जो कि हमारा फील्ड के ऊपर जो कॉम्पैक्शन के लिए हम उपकरण यूज करते हैं, जैसे कि हमारा वाइब्रेटर हो गया, रोलर हो गया, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे तो रोलर, वाइब्रेटर, इन सब के बारे में आप इसके पहले वाले सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। हाईवे में आप सभी ने रोलर के बारे में पढ़ा था, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी थर्ड सेमेस्टर में आप सभी ने वाइब्रेटर, रैमर, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, बस थोड़ा सा इसके बारे में आज आपको जानने की ज़रूरत है। और जो लास्ट टॉपिक आज इस वीडियो का होगा, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो होगा वो होगा कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। चैप्टर हमारा क्या है आज का, ये चैप्टर का नाम जो है कंपैक्शन, चैप्टर नंबर आप 6-7 ऐसे कुछ शायद है, तो आप देख लीजिएगा। तो कॉम्पैक्शन के बारे में हम देखते हैं कॉम्पैक्शन कैसे करते हैं, फील्ड के ऊपर कैसे कॉम्पैक्शन। अब तक हमने फील्ड टेस्ट के बारे में पढ़ा, ठीक। कॉम्पैक्शन के लिए जो फील्ड पर टेस्ट किए जाते हैं वो कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे फील्ड पर कॉम्पैक्शन हम करेंगे कैसे। जैसे हम रोड बना रहे हैं तो रोड का कॉम्पैक्शन कैसे करेंगे, वहाँ पे जो मिट्टी जैसे फिलिंग में अगर हमको डालनी हुई, अगर कटिंग करनी हुई, कटिंग करनी हुई तो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जहाँ पर हम फिलिंग कर रहे हैं वहाँ पर हमको क्या कॉम्पैक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसको हम कैसे करेंगे, किन इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से हम उस कॉम्पैक्शन को करेंगे, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या आ जाता है, फील्ड कॉम्पैक्शन। हेडिंग क्या आ जाएगी, फील्ड कॉम्पैक्शन। अगर फील्ड कॉम्पैक्शन की बात करते हैं कि इसके लिए, फील्ड कॉम्पैक्शन के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों का उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार द्वारा, विभिन्न विधियों द्वारा इसको किया जाता है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा मृदा को दबाकर, नीडिंग द्वारा। ठीक है, नीडिंग द्वारा, जैसे कि रोलर द्वारा हम दबाते हैं, वो क्या हो गई, नीडिंग हो गई हमारी, मृदा को दबाकर। जिसको हम नीडिंग बोल दे रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, पहला मृदा को दबाकर हो गया, नेक्स्ट हो गया हमारा क्या करते हैं, स्थिर भार रखकर, क्या स्टैटिक वेट उस पे रख के। ठीक है, हिंदी में लिखते चलते हैं, स्टैटिक वेट द्वारा। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट कंपन द्वारा, मतलब वाइब्रेशन द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हो गया। ऐसे ही फोर्थ नंबर हमारा आ जाएगा क्या, आघात देकर, मतलब इंपैक्ट लगाकर, आघात देकर, इंपैक्ट। और फिफ्थ नंबर क्या आ जाएगा कि विस्फोटक द्वारा। ठीक है, विस्फोटकों द्वारा, बाय एक्सप्लोजिव। ठीक, एक मिनट, ठीक है, तो देखते हैं ये क्या हो गया। फिफ्थ
फील्ड कॉम्पैक्शन को मतलब इन सब के द्वारा मतलब नीडिंग दबा मृदा को दबा कर या फिर मृदा पर वैसे दबाते कॉम्पैक्शन मतलब ही क्या होता है, मृदा को सेटल करना दबाना, ठीक है। तो मृदा किसी यंत्र द्वारा दबाना, फिर स्टैटिक वेट उस पर रख के या फिर वाइब्रेशन द्वारा उसको क्या करते हैं, फिर उसके पार्टिकल को पास पास ले आते हैं, या फिर इम्पैक्ट उस पर दे के आघात मतलब कि कोई सडन लोड लगा के, या फिर विस्फोट को एक्सप्लोजिव द्वारा भी क्या करते हैं हम उसको कॉम्पैक्ट करवाते हैं सॉइल को, ठीक है। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है मृदा को दबाकर या फिर बोल सकते हैं संघनन यंत्र के बारे में हमको पढ़ना है। ये तो कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं ये हो गया। अब कौन कौन से उपकरण द्वारा, कौन कौन से यंत्र द्वारा करते हैं उसको हमको पढ़ना है। इन सब के बारे में हमको बस नाम जान लेना चाहिए था। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आपके जो एग्जाम्स में बहुत कम आते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है। हम बात करेंगे कॉम्पैक्शन इंस्ट्रूमेंट या फिर मृदा संघनन यंत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें पहला हमारा क्या आ जाता है, अगर हम बात करते हैं संघनन यंत्रों की, कॉम्पैक्शन प्लांट्स या फिर कॉम्पैक्शन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, तो इसमें रोलर, वाइब्रेटर, रैमर, क्या रोलर, वाइब्रेटर, सॉरी और थर्ड नंबर क्या आ जाता है, रोलर, वाइब्रेटर और रैमर। रोलर एक तरह से आपका स्टैटिक वेट हो जाएगा, वाइब्रेटर क्या हो जाएगा कॉम्पैक्ट मतलब कंपन द्वारा जो वाइब्रेशन द्वारा, और रैमर क्या इंपैक्ट लोड वाला हो जाएगा। तीन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक। रोलर आपको हमने कई तरह से, रोलर आपको जब हाईवे बताया जाता है आप हाईवे में पढ़े होंगे कि रोलर कई प्रकार के होते हैं, ऐसे वाइब्रेटर भी प्रकार के हमारे पास होते हैं, इन सब के द्वारा हम कंपैक्शन करते हैं। तो रोलर में हमारे क्या जाते हैं, स्मूथ फील रोलर हो गया, ठीक है, न्यूमेटिक टायर रोलर, सीप रोलर, ऐसे कई प्रकार क्या होते हैं हमारे रोलर आ जाते हैं। फर्स्ट क्या हो गया, स्मूथ व्हील रोलर। अगर आपने कभी रोड बनते हुए देखा होगा, जाहिर सी बात है आपने रोड बनते हुए जरूर देखा होगा, तो वहाँ पे स्मूथ व्हील रोलर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारे में इसके बारे में हम यहाँ पे नहीं बता रहे, क्योंकि आप हाईवे के बारे में इसके बारे में पढ़ चुके हैं हाईवे में, और इसके बारे में अगर आ गया एग्जाम में तो आप अच्छे से लिख भी सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। स्मूथ व्हील रोलर हो गया। नेक्स्ट हमारा न्यूमेटिक टायर, ठीक है, क्या वातिल टायर रोलर, न्यूमेटिक स्पेलिंग क्या है, न्यूमेटिक टायर रोलर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या जाता है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा सी फुट रोलर आ जाता है, सी फुट रोलर, जिसका क्या होता है कि जो टायर होते हैं, वैसे जो जनरली टायर होते हैं वो किसके होते हैं, स्टील के बने होते हैं, लोहे के टायर बने होते हैं, रोलर के जो भी टायर होते हैं वो लोहे के भी होते हैं, और कहीं कि आप देखते होंगे कि जो टायर होते हैं, ठीक, जो व्हील्स होते हैं वो रबर के भी व्हील्स होते हैं। जब आपको हाईवे बताया जाता है, इसे जनरली कुछ क्या होते हैं, जो न्यूमेटिक टायर रोलर होते हैं वो जो इसके व्हील्स होते हैं वो रबर के होते हैं, लेकिन जो स्मूथ व्हील रोलर होते हैं इसके जो व्हील होते हैं ये क्या होते हैं, ये बने होते हैं हमारे किसके, स्टील के, लोहे के बने होते हैं, जो कि हमारा एकदम प्लेन होता है, एकदम स्मूथ होता है। इसको कैसे रोलर करते हैं, जब इसको रोड पे चलाते हैं तो चलाने के साथ साथ क्या करते हैं, इसमें पानी डालते रहते हैं,
ठीक है, पानी डालते रहते हैं और फिर तब कंपैक्शन करते हैं। कंपैक्शन के लिए हमने आपको बताया था ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वह मॉइस्चर कंटेंट होता है जिस पर क्या होता है वह मैक्सिमम डेंसिटी प्राप्त कर लेती है। तो कंपैक्शन में क्या करते हैं, हम उसकी डेंसिटी को मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे कि उसके उसमें वाइट्स उपस्थित ना रह रह सके और अच्छे से कंपैक्ट हो सके। उसका जो पूर्णता, जो स्ट्रेंथ होती है, पूर्ण स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ वो गेन कर ले अपनी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे न्यूमेटिक टायर हो गए, ठीक है, सी फुट रोलर हो गए, इस तरह क्या हो गए हमारे कुछ रोलर हो गए। सी फुट रोलर में क्या होता है, जो उसका टायर होता है, टायर में क्या होता है हमारे खांचे एक तरह से बने होते हैं। खांचे मतलब जो सीप आपने देखा होगा भेड़ के पैरों की तरह क्या होते हैं उसमें जो टायर में, वो भी स्टील का ही होता है, ना कि किसका रबर का वो नहीं होता, वो स्टील का होता है लेकिन उसमें कुछ खांचों की तरह बना होता है, ठीक है। ये क्या होगा हमारे रोलर की बात हो गई। अब अगर हम वाइब्रेटर की बात करते हैं, वाइब्रेटर की बात करते हैं तो वाइब्रेटर में हमारे पास कई प्रकार के होते हैं। एक मैनुअली ऑपरेटेड वाइब्रेटर होते हैं, एक सेल्फ ऑपरेटिंग वाइब्रेटर होते हैं, जैसे क्या होता है एक निडल वाइब्रेटर हो गया, और फिर क्या हो कहते हैं कि प्लेट टेबल वाइब्रेटर हो गया, ठीक है, निडल वाइब्रेटर, टेलर टेबल वाइब्रेटर, इस तरह के कई प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं वाइब्रेटर होते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या हो गया निडल वाइब्रेटर, और टेबल वाइब्रेटर, या फिर जिसको प्लेट वाइब्रेटर बोल सकते हैं एक तरह से। क्या होगा, ये कुछ हमारे पास क्या होता है वाइब्रेटर होते हैं जिनके द्वारा क्या करते हैं हम वाइब्रेट करवाते हैं। निडल वाइब्रेटर क्या होता है, जैसे कॉलम में अगर आपको कॉलम का कॉम्पैक्शन करना है तो कॉलम क्या हुआ चारों तरफ से फॉर्मवर्क लगा हुआ है, जब फॉर्मवर्क लगा हुआ है चारों तरफ से तो उसमें कॉम्पैक्शन करना इतना आसान नहीं होता। तो उसमें क्या करते हैं जो वाइब्रेटर की निडल होती है, निडल उसमें डाल के जब वाइब्रेटर को ऑन करते हैं तो वो निडल उसमें नाच घूमने लगता है। जब वो घूमने लगता है तो उसके उसमें कंपन क्या होता है उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जिससे क्या होते हैं उसके वाइट्स क्या होते हैं निकलने लगते हैं और डेंसिटी उसकी बढ़ने लगती है, ठीक है, तो वो वाइब्रेट हो जाता है, ठीक है। टेबल वाइब्रेटर क्या होता है, जब आप स्लैब स्लैब की कास्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपको जब वाइब्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं टेबल वाइब्रेटर, एक आप गाड़ी की तरह ऐसे देखते हैं, गाड़ी की तरह होती है और ऐसे फिर चलाते जाते हैं और वो वाइब्रेट करता चला जाता है, कॉम्पैक्ट करता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया टेबल वाइब्रेटर होते हैं। रैमर की बात करते हैं तो रैमर हम भी हमारे कई तरह से आते हैं, ड्रॉपिंग वेट इंक्लूडिंग पाइलिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। क्या करते हैं भार गिराकर, जैसे क्या करते हैं पाइल गाड़ने में क्या करते हैं उसमें कैसे कॉम्पैक्शन करते हैं, जब पाइल हम गाड़ते हैं, अगर आप पाइल गाड़ते हुए देखे होंगे, ठीक है, जब पाइल गाड़ते हैं तो क्या करते हैं इसमें ऊपर से इम्पैक्ट लगाते हैं, इम्पैक्ट लगाते हैं तो आसपास की जो सॉइल होती है, इसके आसपास की जो ये सॉइल होती है ये कॉम्पैक्ट होती जाती है। अगर कभी आपने देखा होगा तो ये चीज़ क्या होती है सेटल हो जाती है, ठीक है। ये क्या होता है रैमर में हमारा क्या हो गया कि ड्रॉपिंग वेट द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से आ जाता है कि इंटरनल कम्बशन द्वारा, अंतः ज्वलन द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है इसी में, अगर हम रैमर की बात करते हैं एक और आ जाता है इसी में कि न्यूमेटिक टायर, ठीक है, न्यूमेटिक टायर द्वारा भी हम क्या करते हैं वाइब्रेट रैमर, मतलब न्यूमेटिक टायर टाइप का भी रैमर हमारे पास आता है जिसे क्या करते हैं हम सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे संघनन यंत्र के बारे में, अब कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या अंतर होता है, कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन कंसोलिडेशन एंड कंपैक्शन, जिसको एक संघनन बोलते हैं एक संघनन बोलते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम बात करते हैं।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियोज आसानी से मिल सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सारा नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन हमारा आता है, आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मिल जाए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपको करनी है, तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो, आपके डाउट्स हो, वो हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं संघनन और संघनन, डिफरेंस बिटवीन कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन। कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन, इधर लिख लेते हैं हम कंपैक्शन, इधर कंसोलिडेशन। हिंदी में लिख देते हैं इसकी थी। अब बात करते हैं कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन की। सबसे पहला जो अंतर आता है, क्या आता है कॉम्पैक्शन में क्या करते हैं हम और कंसोलिडेशन में क्या करते हैं। जो कंपैक्शन में करते हैं, कंपैक्शन में हम उसके वॉइड्स को क्या करते हैं, जो सॉइल के वॉइड्स को हम क्या करते हैं, खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं कंपैक्शन में। लेकिन कंसोलिडेशन में जो करते हैं, वो उसमें से हम जो उसमें वाइड्स में वाटर प्रेजेंट होता है, उस वाटर को दूर करने की कोशिश करते हैं हम किस में, कंसोलिडेशन में, ठीक। इसी प्रकार कंपैक्शन जो होता है, ये क्या होता है हमारा, ये आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है, और ये जो होता है ये नेचुरली प्रोसेस होता है। ये कंसोलिडेशन जो होता है ये नेचुरल के द्वारा होता है, ये खुद से इसमें जो वाटर प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, जो सॉइल के बीच जो वाइट्स होते हैं, वाइट्स में जो वाटर प्रेजेंट होता है, वो नेचुरली जब उस पर लोड लगता है, बिल्डिंग बन जाती है, लोड लगता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो निकल जाता है नीचे से, वाइट्स के थ्रू ही निकल जाता है। और ये का हमारा आर्टिफिशियल होता है, इसमें हम लोड लगाते हैं और लोड फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो वाइट्स होते हैं इसके निकल जाते हैं, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं कि यह क्रिया जो होती है कंपैक्शन, ये काफ़ी तेज़ी से होती है, लेकिन जो कंसोलिडेशन होती है, क्योंकि ये कंपैक्शन जो होता है ये आर्टिफिशियल होता है, इसको तो हम जितना जल्दी चाहें उतना जल्दी कर सकते हैं, जितना जल्दी चाहें उतना जल्दी कंपैक्ट करके उसके वाइड्स को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये नेचुरल होता है, नेचुरली होता है, तो इस पर जिस हिसाब से लोड लगेगा उस हिसाब से क्या होगा, इसमें से वाटर निकल के जाएगा, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और इसमें जो होता है कंपैक्शन में होता है, इसमें और जो होता है कि प्रतिबलों का स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है, प्रतिबल ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है, ट्रांसफ़र प्रतिबल नहीं होते, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रतिबल जो स्ट्रेस होता है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, इसमें स्ट्रेस ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों, अगर हम बात करते हैं, जैसे ये सॉइल पार्टिकल्स हो गए, ये मान लेते हैं कुछ सॉइल पार्टिकल्स हैं। अब क्या होगा, इसके बीच में अगर पानी है तो क्या होगा, ये ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र होके फिर क्या होगा, यहाँ से निकल के ये जाएगा,
तो क्या होगा, इसमें स्ट्रेस ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र स्ट्रेस का होता है, लेकिन इसमें स्ट्रेस ट्रांसफ़र नहीं होता क्योंकि ये निकल जाता है ऊपर से, इसलिए इसमें स्ट्रेस ट्रांसफ़र नहीं होता। ये कुछ डिफरेंस होता है जिसको हम अब हम बोर्ड पर लिखते हैं और आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं देख के वीडियो से, ठीक है। फर्स्ट में क्या लिखते हैं कि इस क्रिया में मृदा के आयतन में कमी यांत्रिक क्रिया द्वारा आती है, ठीक है, और मृदा के रंध्रों से क्या होता है, वायु निकल जाती है, और अगर कंसोलिडेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इस क्रिया में मृदा के आयतन में कमी मुख्यतः कणों के बीच स्थित जल के निकलने के कारण आती है, ठीक है। इस क्रिया में आयतन में कमी जो आती है इस क्रिया में आयतन में जो कमी आती है वो रंध्रों के बीच से जल निकल जाने के कारण आती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या जाता है, या कृत्रिम प्रक्रिया है, मतलब क्या आर्टिफिशियल है, या प्राकृतिक प्रक्रिया है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं, या काफ़ी तेज़ी से, मतलब कि यह क्रिया काफ़ी तेज़ी से होती है, अपेक्षाकृत धीमी प्रक्रिया है, और अगर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो इस क्रिया में प्रतिबलों का स्थानांतरण नहीं होता है, अगर इसमें बात करते हैं तो इसके मृदा पर पड़ने वाला भार पहले पानी द्वारा वहन किया जाता है और फिर जल निकलने के साथ साथ मृदा कणों का स्थानांतरण होता रहता है, ठीक है, प्रतिबलों का स्थानांतरण नहीं होता, इसमें कणों का स्थानांतरण होता है। लिख सकते हैं डायरेक्ट इसका ये हो गई, इन दोनों में
अंतर किसमें, कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन में। तो इसी टॉपिक के साथ क्या होता है, ये चैप्टर जो हमारा कॉम्पैक्शन चैप्टर है ये ख़त्म होता है यहीं पे। ठीक है, अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।